ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन सहित जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन ऑल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय वित्त सचिव सौरभ मिश्रा के द्वारा केपीआई प्रणाली लागू करने एवं बीमा कंपनियों के निजीकरण करने का विरोध जताया गया। हर प्रकार का बीमा करने वाली चार कंपनियों को 1973 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और तब से यह कंपनियां सभी प्रकार की बीमा करने का काम कर रही हैं। परंतु अब इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सचिव के द्वारा एक नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत केपीआई पद्धति लागू की जा रही है, जिसमें कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को अपना परफॉर्मेंस देना होगा और कंपनी के लिए बीमा की पॉलिसी बेचनी होगी। और अब इन चार भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कंपनियों को पुनः निजीकरण करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे बीमा कंपनी के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इन पद्धतियों का विरोध ऑल इंडिया नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन सहित जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन ऑल इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। केपीआई पद्धति क्या है और क्यों बीमा कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, आप भी सुनिए। आज हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक बीमा क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी जो सरकार की जो नीतियां हैं कर्मचारी विरोधी और कंपनी विरोधी, उसके लिए हम लोगों ने आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो पिछले जो वेज रिवीजन वेतन समझौता हुआ उसमें केपीआई लागू करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लागू करने पर होगा कि अगला जो वेज रिवीजन होगा वो अलग अलग होगा, लोगों के परफॉर्मेंस पर होगा, कर्मचारियों के जो कार्य कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो हमारे जो वित्त सचिव हैं उन्होंने ये जबरन लागू करने की कोशिश की है, एक संस्था ई एंड वाई उसको लाकर यहाँ पर लागू किया। उनके जो ई एंड वाई ने अपने रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है कि क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया है ताकि यूनियन से बात कर सके, और अभी तक जिप्सा कंपनी जो चारों कंपनियों के जो जिप्सा कंपनी है सीएमडीज हैं इन लोगों को भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है कंपनी में। ई एंड वाई ने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है और यूनियन से चर्चा ना होने के कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। और सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, वो लागू होने से क्या नुकसान होगा? वो लागू होने से एक तो कंपनी एक तो सबकी परफॉर्मेंस अभी देख रहे हैं कि सारा ऑफिस भी बंद किया जा रहा है और लोगों को जब बिजनेस लाने के लिए भेजने के लिए बात कर रहे हैं। पहले डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति हुआ करती थी जो कंपनी के लिए प्रीमियम लेके आती थी, एजेंट नियुक्ति होती थी, अब वो डेवलपमेंट ऑफिसरों की भर्ती नहीं हो रही है और भी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, सब बंद है। उसके बावजूद जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती प्रीमियम लाने के लिए कहा जा रहा है और कैसा कार्य होगा ये किसी को नहीं मालूम है और प्रबंधन को भी नहीं मालूम है कि कैसा कार्य किया जाएगा और कैसे उसका आकलन किया जाएगा कर्मचारियों के काम का, ये उनको भी नहीं मालूम है। और जबरिया स्थानांतरण किया जा रहा है, रीजनल ऑफिस में भेजा जा रहा है और लोगों को धमकी दी जा रही है कि हमारा आपका स्थानांतरण कहीं भी किया जाएगा। वो प्रीमियम नहीं लाते हैं तो क्या होगा, प्रीमियम लाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कर्मचारी किस हिसाब से काम करेंगे कार्यालय में इसकी भी प्रबंधन को ही जानकारी नहीं है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है और ना ही यूनियन से जो संगठन है कर्मचारी अधिकारी उनसे अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है इस बारे में। वित्त सचिव इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो बात करे, ना ही हमारे जिप्सा मैनेजमेंट संगठन से बात करने के लिए तैयार है अभी तक कि ये लागू क्यों किया जा रहा है या किस तरह से लागू होना चाहिए, संगठन से बातचीत नहीं है, इसके विरोध कर रहे हैं। मतलब और ये प्रबंधन को भी ये चीज़ पता नहीं है, तो जब प्रबंधन को ये सारी चीजें पता नहीं है तो क्यों लाद रही है आपके ऊपर ये सारी? तो वित्त सचिव की मनमानी है, वित्त सचिव जबर क्या नाम है वित्त सचिव का? सौरभ मिश्रा। तो ये सिर्फ आपके नेशनल इंश्योरेंस में ही है या और भी? नहीं नहीं, चारों कंपनी, चारों सार्वजनिक बीमा क्षेत्र जो है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड, तो ये सब पे लागू है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि केपीआई पे बात हो पहले, ठीक है, बदलाव आता है कंपनी के हित में होना चाहिए, ये जो बदलाव लाया जा रहा है ना ही कंपनी के हित में है, ना ही कर्मचारियों के हित में, ना ही कंपनी का भविष्य क्या होगा ये भी नहीं मालूम है किसी को, क्योंकि अभी नई भर्ती बंद है। बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के दौरान अपने जीवन के कीमती समय कार्यालय के कार्यों में बिता दिए और अब इन्हें यह चिंता सता रही है कि इस नई पद्धति के जरिए इन्हें रिटायरमेंट की उम्र में मैदान में उतरकर बीमा एजेंट की तरह कार्य करना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।